अब हमारी अगली रेसिपी क्या है? शिमला मिर्च स्टफ्ड। शिमला मिर्ची स्टफ्ड, जरा हम तैयारी करते हैं। क्या है, भरी हुई मिर्ची है ना। इसकी सामग्री हमें बताएंगे क्या क्या है? 3 शिमला मिर्च, ओके, एक आलू है, एक प्याज, हमने उसे बारीक काट लिया, ऊपर के पत्ते छील लिए हैं, ओके, मटर कच्चे ही हैं और कुछ उबला हुआ नहीं है, ओके, खास गरम मसाला है, इमली, राई, मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, नारियल, धनिया, हींग और हल्दी और नमक। सामग्री हमने जान ली है। इस मिर्च को आपने कुछ किया है क्या? मैंने इसे यहाँ पर ऐसे कट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें स्टफिंग भरना है। ये क्या है? ये जो अपना प्याज, नारियल, गरम मसाला भून लेना है एक साथ। ये ओके, 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 क्या करेंगे आप मुझे बताओ। सबसे पहले प्याज ले लें। हाँ, गुलाबी रंग आने तक इसे भूनते जाइए। अदरक लहसुन दीजिए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। रोज सुबह उठते एक दो लहसुन मुंह में डाल दिए ना, फर्स्ट क्लास तबीयत, चकाचक, दिन भर कुछ भी कर लो आप। अब इसमें पूरा गरम मसाला डालेंगे। ये हरी इलायची है और इसमें मसाले की बड़ी इलायची भी लगती है। बराबर। दालचीनी और ये लौंग, ये बड़ी सौंफ है। मिक्स कर लेते हैं। हाँ, मसाला। ये भूनने के बाद नारियल भून लें। हाँ, नारियल। ये कोई एक जगह, मतलब पर्टिकुलर जगह का व्यंजन है या फिर? नहीं, ये सच कहूँ तो मुझे मेरी सास ने सिखाया। बराबर। लेकिन उन्हें किसी सहेली ने बताया और उनसे ही मैं सीखी। देखिए, मतलब कहाँ कहाँ से घूम फिर के आए इनके पास। अच्छा, इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, ये तैयार हो गया। ये मिक्सर से निकलने के बाद ये ऐसा तैयार हो जाएगा। ओके। हाँ। अब हम ये लेके आगे चलते हैं। बाउल में डालू इसे? हाँ, मसाला डालेंगे। आलू के टुकड़े डाल दो सब। हाँ, मटर डाल दीजिए, हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक, हींग तड़के में इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ ये जो मसाले हैं ना उसे इमली के साथ मिलाएंगे। अब ये मिक्स करना है। अब क्या करेंगे? मिक्स करने के बाद हम स्टफिंग करेंगे। ओके, अब ये तैयार हो चुका है। हाँ, अब हम इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे और अब इसको शिमला मिर्च में बांध देते हैं, भरते हैं। हाँ, वो हम छोटे बच्चों को कहते ना, आ करो आ करो आ करो आ आ आ, वैसा ही है। और इसके बाद हमें तड़का देना है। हाँ हाँ, तड़का दे के इसे पकाना है ताकि अंदर के जो आलू और मटर है ना वो पक जाएं अच्छे से, तब फिर रखेंगे। जरा समय लेने वाली प्रक्रिया। हाँ। शिमला मिर्च भर के तैयार है, अब उसे सिर्फ तड़का देना है। तड़का देना है। ओके, हमने कढ़ाई में ऑलरेडी 2 चम्मच तेल डाल के रखा है, अब उसमें हम राई के दाने डालेंगे, हींग, उसके बाद अब इसमें भरी हुई शिमला मिर्च रखते हैं। ओके। हाँ, वो भी रखना है। अच्छा। हाँ। और इसे ढक देना है, इस पे बराबर ढक्कन लगा के, ताकि अंदर के आलू जो है वो पक जाएं और मटर भी। मतलब अंदाजे से 10-1 मिनट, 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट लगेगा। और वो होने के बाद हम खाने की शुरुआत करेंगे। पराठे के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, कैसे भी खाओ, लेकिन खाओ, इतना ध्यान में रखिए। पर ये बनाना कैसे, ये आप सोच रहे होंगे, उसके लिए लिखना जरूरी है। लिख लीजिए सामग्री और कृति जल्दी से। स्टफ शिमला मिर्च बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: 3 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 1 आलू के टुकड़े, मटर, खड़ा गरम मसाला, इमली, राई, मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नारियल, धनिया, हींग और हल्दी और नमक। कृति: सबसे पहले तेल गरम करके प्याज, अदरक और लहसुन, खड़ा गरम मसाला और किसा हुआ नारियल इस मसाले में डाल दें। भुना हुआ मिश्रण और इमली एक साथ पीस लें। बाउल में तैयार मसाला, आलू के टुकड़े, मटर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया दाल के मिश्रण एकजुट कर लें। शिमला मिर्च को बीच से काट के
उसमें तैयार मिश्रण स्टफ्ड करें। पैन में 2 चम्मच तेल गरम करके राई और हींग का तड़का लगा लें और उसमें स्टफ्ड शिमला मिर्च डाल के भाप पे पका लें।